150-200 दीजिए तो ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अली का है निशुल्क। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। एक बार फिर से हम दिखाने जा रहे हैं रियलिटी चेक आपको। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जी बिहार झारखंड बड़ा लगातार मुहिम चला रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चलाई जा रही मुहिम में हमने सुपौल के सदर अस्पताल में बड़ी पड़ताल की। जी मीडिया मोहन प्रकाश की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल में वक्त पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं दिखती। अगर डॉक्टर आ भी जाएं तो ये जरूरी नहीं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर पाएंगे। मरीज और तीमारदार परेशान हैं और डॉक्टर नदारद। हैरानी की बात तो ये है कि बाहरी लोग आकर इंजेक्शन देते हैं, इलाज करते हैं, जिससे मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सुपौल सदर अस्पताल का यह इमरजेंसी वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड में जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्रेसर और कंपाउंडर की कमी है, जिस वजह से यहाँ या तो बाहरी लोग या तो माली या जो है अन्य लोग के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा जो है यहाँ पे मरीजों को दी जा रही है। हालांकि इस बाबत जो है अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी सिविल सर्जन ने कहा है कि ड्रेसर और कंपाउंडर की कमी के वजह से जो है इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे अभी भी जो है कि सुपौल सदर अस्पताल का यह इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ बाहरी लोग जो हैं काम कर रहे हैं और काम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ही रखा गया है, तभी ये काम कर रहे हैं। ये हम और सर्विसिंग कर कोविड में वार्ड बैठे फिलहाल अपने। तो क्या इसके लिए आपको वेतन भी मिलता है? नहीं, वेतन मिलता है, अपने स्वेच्छा से। तो यह समाज सेवा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है मिला जुला के कि सुपौल सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है लचर व्यवस्था है और यहाँ पे जो है कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं करके ये लोग आए हैं, बल्कि ऐसे समाज सेवा के रूप में ये काम कर रहे हैं। आखिर कैसे काम कर रहे हैं ये तो बड़ा सवाल है और स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी के द्वारा ये रखे गए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों का ड्रेसनर जो नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, तो ऐसे में बाहरी लोग या पारा मेडिकल के जो है स्टूडेंट यहाँ पे मरीजों को इलाज करते हैं, क्या होना चाहिए? आपको लगता है उचित है? जी नहीं, ये तो सही से भी उचित नहीं बुझा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये काम कर रहे हैं और सबके संज्ञान में ये बात है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आम लोगों को नाते? आप क्या करना चाहिए आम लोगों के नाते से? मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय के तरफ से इतना बड़ा मतलब व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो मिशन 60 के तहत सुपौल सदर अस्पताल का भी मुआयना करेंगे और इसको लेकर ही पूरे 60 दिन के अंदर में जो है सुसज्जित किया जाए। तो ऐसे में ड्रेसर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, उसकी पहले व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी, रंग रोगन से तो कोई इसको लेना देना है नहीं पेशेंट को, और क्या कहते हैं उनका विभाग को। पहले तो यहाँ कर्मचारी की अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए, रंग रोगन को स्वास्थ्य मंत्री आएंगे तो उनको दिखावा के लिए ये सब चीज़ हो रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है, उम्मीद क्या है? स्वास्थ्य मंत्री अब बदले हैं, सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है, तो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनसे क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग उनसे मांग करते हैं जो यहाँ स्टाफ दे, यहाँ सब कर्मचारी आवे, व्यवस्था हो, बढ़िया हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सब चीज़ होना चाहिए, तो सब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक से देखा भी देखा जांच करता है, फिर दिखाता है, फिर उसको खून देता है, फिर उसका जाँच यहाँ से नहीं होगा, बाहर से करवाइए, अच्छा जाँच होगा यहाँ से, उसमें दाल भी लगा रहता है। मधेपुरा में व्यवस्था नहीं है चलो जी, वहाँ भी नहीं, इसीलिए कहा गया कि सदर अस्पताल सुपौल सुपौल में व्यवस्था है, इसलिए हम सवेरे 9 बजे आए नहीं, अभी तक जबकि नहीं। तो समझा जा सकता है ये इमरजेंसी की बात करें या सुपौल सदर अस्पताल के ओपीडी की बात करें, तमाम जगहों पर जो है व्यवस्था जो है कुव्यवस्था का आलम है। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। सुपौल सदर अस्पताल में बड़ी उम्मीद के साथ मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन इलाज से पहले उन्हें यहाँ कुव्यवस्था से जूझना पड़ता है। 25 पेशेंट देखा जा रहा है, एक पेशेंट 10-15 मिनट लग ही जाता करने में, है ना, और जिसका सिस्टम है उसको सही जा रहा है, और डे पर डे हो रहा है,
यहाँ पे। तो मशीन में कोई प्रॉब्लम है या और कोई टेक्निकल कोई बात है? नहीं, नहीं, है कि मरीज तो आखिर आ रहे हैं अस्पताल फिर लौट के जा रहे हैं। 100% होता है, 100% का कैपेसिटी है। आप देखिए पीएमसी भी है, आईजीएमएस भी है, पटना एम्स भी है, वहाँ पर डे 150% लिखाता है, सबको नंबर दिया जाता है, एक महीने बाद का नंबर दिया जाता है ना। पर डे होता है वहाँ पे लगभग 100, मशीन वाला था 6, करने वाले 6 डॉक्टर रहते हैं और यहाँ हम सिंगल डॉक्टर हैं, पर डे नहीं संभव हो पाता है। तो डॉक्टर नदारद हैं, तीमारदार मरीज परेशान हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुपौल से मोहन प्रकाश जुड़ रहे हैं। मोहन, जो रिपोर्ट आपने दिखाई है ग्राउंड पर जाकर, आपने लोगों से बात भी की है, आपने अस्पताल की हकीकत भी दिखाई है, क्या अधिकारी जागे या फिर सब कुछ ढर्रे पर चल रहा है और ऐसे चलेगा तो फिर कैसे लोगों की जान बचेगी? चलिए दोबारा मैं उनसे बातचीत करूंगा, तकनीकी कारणों से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ये आप कुव्यवस्था देखिए, अस्पताल में क्या व्यवस्था है वो देखिए आप। डॉक्टरों की मनमानी से मरीज़ हमेशा यहाँ परेशान रहते हैं, ड्यूटी पर देर से डॉक्टर आते हैं और जब भी कोई ओपीडी में इलाज के लिए शुरुआत में पर्ची लेने के लिए या फिर दवाई के लिए जाता है तो फिर उसे दवाई नहीं मिलती है। यानी कुल मिलाकर सुपौल में जो ये अस्पताल है फेल हो चुका है, यहाँ पर कुव्यवस्था है और कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर मरीज़ों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बड़ी उम्मीदों के साथ मरीज वहाँ पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन इन्हें निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। तो ये है स्थिति बिहार की, ये है सुपौल के अस्पताल की हालत। आप देख सकते हैं मरीज़ों को कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है और 11-12 बज जाता है लेकिन ओपीडी नहीं खुलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं जो इंटरमीडिएट पास है या कम पढ़ा लिखा है, वो भी यहाँ पर आकर डॉक्टर बन जाता है, वो भी इलाज करता है। यानी झोला छाप डॉक्टरों के सहारे इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कुव्यवस्था को जन्म दे रहा है। तो बाहरी लोग सदर अस्पताल आते हैं और इलाज करते हैं, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। तो हमारी मुहिम की लगातार तारीफ हो रही, मंत्री संजय झा ने सराहना की है जी बिहार झारखंड की मुहिम की, लगातार तारीफ हो रही है, जी बिहार झारखंड को धन्यवाद दिया उन्होंने। रियलिटी चेक होते रहना चाहिए ये भी उन्होंने कहा कि रियलिटी चेक से जो है जागरूकता सजगता बनी रहती है, इसलिए ये जरूरी है। रियलिटी चेक होते रहना चाहिए, आपको बता दें हमारी मुहिम की हर तरफ चारों तरफ तारीफ हो रही है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि जो जी बिहार झारखंड ने मुहिम चलाई है, शुरू जो की है स्वास्थ्य को लेकर, अस्पतालों की बदहाली को लेकर, वो काबिले तारीफ है और ऐसी मुहिम मीडिया को करते रहना चाहिए। उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया मीडिया का, खासतौर से हमारे चैनल को कहा है कि जी बिहार झारखंड की मुहिम की तरह लोगों को और भी प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस तरीके का कार्य जी बिहार झारखंड कर रहा है वो काबिले तारीफ है। व्यवस्था को पटरी पर लाने का हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि कैसे लोगों को स्वास्थ्य पहुंचे, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और इसीलिए जी बिहार झारखंड हमेशा इसीलिए जाना जाता है कि वो जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से हमेशा से उठाता रहा है। ये हमारा वादा है कि हम अक्सर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और इसीलिए हमने अस्पतालों की कुव्यवस्था को उजागर करने का निर्णय लिया है और इसीलिए हमने ये मुहिम भी शुरू कर दी है। बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, मेरी पूरी शुभकामना है और हम लोग को जब से आया है स्वास्थ्य व्यवस्था में नीतीश कुमार जी हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहे हैं, गुंजाइश तो हमेशा रहे।